हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ कोमल मैम फ्रॉम AS ट्यूटोरियल्स एंड टुडे विल बी स्टडिंग आर सेकेंड चैप्टर दैट इज़ फेडरलिज्म। सो फेडरलिज्म हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट कर दिया था, सो लेट्स कंटिन्यू विद दिस। बट बिफोर कंटिन्यूइंग एक बार हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं जो भी टॉपिक्स हमने लास्ट लेक्चर में कम्प्लीट किए थे उसके बारे में। सो द फर्स्ट टॉपिक वॉज द मीनिंग ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का मीनिंग क्या होता है? सो वॉट इज़ फेडरलिज्म? फेडरलिज्म इज़ द अरेंजमेंट ऑफ पावर शेयरिंग बिटवीन द सेंट्रल स्टेट एंड द लोकल गवर्नमेंट। फेडरलिज्म क्या होता है? जब हम पावर्स शेयर करते हैं विद द सेंट्रल स्टेट एंड द लोकल गवर्नमेंट। इन शॉर्ट इसको क्या कहते हैं हम? दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर्स। क्या कहते हैं इसे हम? द वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर या फिर the vertical arrangement for sharing the powers. What is federalism basically called? It is the power sharing arrangement between the central state and the local government. And इसको एक और क्या नाम दिया है? This is also called as the vertical division of powers. ठीक है, देन उसके बाद हम लोगों ने सेकेंड टॉपिक पढ़ा था अबाउट द फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। हमने कम्प्लीट किया था वॉट वेर द फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। तो एक दो रिकॉल करते हैं। द फर्स्ट वन वॉज फेडरल गवर्नमेंट इज़ अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन विच देर आर टू और मोर देन टू टायर्स ऑफ गवर्नमेंट। क्या था पहला पॉइंट हमारा? दैट फेडरलिज्म इज़ अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन विच देर आर टू और मोर देन टू लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो अपनी कंट्री में सी वी हैव थ्री लेवल्स, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल। देन हमारा सेकेंड पॉइंट क्या था उसमें? दैट इन दिस फेडरलिज्म द सिटीजन्स आर सेम, मतलब सेंट्रल और स्टेट दोनों ही सेम सिटीजन्स को गवर्न करेगा, बट उनका एरिया ऑफ पावर्स जो है वो क्या रहेंगे? डिफरेंट रहेंगे। दैट इज सेंट्रल का अपना एरिया रहेगा एंड स्टेट का अपना। दो सिटीजन्स आर गोइंग टू बी सेम, लेकिन उनका जो एरिया है वो अलग रहेगा। नेक्स्टली वी सॉ दैट के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो होंगी वो भी अलग होंगी दोनों के लिए। फिर हमने देखा था द सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू कलेक्शन का जो सोर्स है वो भी दोनों के लिए अलग अलग रहेगा, सो दैट किसी में भी कोई टाइप का कॉन्फ्लिक्ट अराइज नहीं होता। एंड इफ एट ऑल देर आर एनी कॉन्फ्लिक्ट, तो वो कॉन्फ्लिक्ट को कौन सॉल्व करेगा? द हाइएस्ट कोर्ट। वो कौन सा कोर्ट है? द सुप्रीम कोर्ट। इफ देर आर एनी डिस्प्यूट्स बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट, तो उन डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने का काम कौन करेगा? द सुप्रीम कोर्ट। ये हमने पढ़ा था। देन उसके बाद फेडरलिज्म का एक लास्ट फीचर हमने पढ़ा था, दैट फेडरलिज्म के थ्रू हम क्या ट्राई आउट करते हैं, हम क्या करने की कोशिश करते हैं? व्हाई वी आर शेयरिंग द पावर्स? सो दैट कंट्री के अंदर यूनिटी मेंटेन रहे एंड साथ साथ में डाइवर्सिटी भी रहे, टू प्रोटेक्ट द डाइवर्सिटी एंड टू प्रमोट यूनिटी। गेटिंग डाइवर्सिटी को भी हमें साथ में लेकर चलना है एंड उसके साथ में वी हैव टू मेंटेन द यूनिटी ऑफ द कंट्री ऑल्सो। सो ये ड्यूअल ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए हम क्या करते हैं? पावर्स को शेयर करते हैं। सो दिस वेर द फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। देन उसके बाद हमने पढ़े थे द टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म, वी हैव टाइप्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट्स, करेक्ट? सो हमारा फर्स्ट था उसके अंदर कमिंग टुगेदर गवर्नमेंट। कौन सा था? कमिंग टुगेदर गवर्नमेंट। इफ डेफिनेशन नहीं याद होगा तो एटलीस्ट एग्जाम्पल्स याद होंगे, USA, रिमेंबर? सो दिस इज़ द टाइप ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पर क्या होता है, देर आर डिफरेंट स्टेट्स स्मॉल साइज में, दे आर स्मॉल इन साइज एंड टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ, सिक्योर रहने के लिए वो लोग क्या करते हैं? डिफरेंट स्टेट्स, डिफरेंट कंट्रीज भी हम बोल सकते हैं, छोटी छोटी कंट्रीज होती हैं वो एक साथ कंबाइन होती है एंड दे फॉर्म अ गवर्नमेंट या दे फॉर्म अ फेडरलिज्म। तो उसे हम क्या कहते हैं? कमिंग टुगेदर फेडरेशन। क्या कहते हैं हम उसे? कमिंग टुगेदर फेडरेशन। यहाँ पर जितने भी कंट्रीज हैं या जितने भी स्टेट्स प्रेजेंट है इस फेडरेशन के अंदर, उन सब के पास इक्वल पावर्स होंगे। गेटिंग किसी भी स्टेट के पास कम या ज़्यादा पावर्स नहीं होंगे। ऑल द स्टेट्स इन कमिंग टुगेदर फेडरेशन विल हैव द इक्वल अमाउंट ऑफ पावर्स, क्लियर? देन उसके बाद हमने सेकेंड पढ़ा था अबाउट दी होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। सो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन किसके लिए था? इट वॉज फॉर द बिग कंट्री लाइक इंडिया। गेटिंग इंडिया जैसी कंट्री के अंदर इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू गवर्न द होल कंट्री।
इतना बड़ा कंट्री प्लस इतना ज़्यादा पॉपुलेशन, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू गवर्न द होल कंट्री. सो इसके लिए हमने क्या इसलिए क्या किया गया था, पावर्स वेयर शेयर्ड विद द स्टेट गवर्नमेंट. अच्छा, आप होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या होता है, दैट जो पावर्स है वो सेंटर एंड स्टेट में इक्वली डिवाइड नहीं होते. क्लियर, सेंट्रल इज़ ऑब्वियसली मोर पावरफुल देन द स्टेट गवर्नमेंट. सो ये था हमारा होल्डिंग टुगेदर. इंडिया इज़ द एग्जाम्पल ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म. ठीक है, ये हमने पढ़ा था. देन उसके बाद हमने पढ़ा था कि वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया टू शेयर द पावर्स. हमने क्या पढ़ा था कि इंडिया जैसी कंट्री के लिए क्यों ज़रूरी है फेडरलिज्म को अडॉप्ट करना, या फिर पावर्स को शेयर करना इंडिया जैसी कंट्री के लिए क्यों ज़रूरी है, वो हमने पढ़ा था. सो फॉर दैट टॉपिक हम लोगों ने इंडिया का थोड़ा इंडिपेंडेंस के टाइम का स्ट्रक्चर स्टडी किया था. वी सॉ दैट इंडिया को 1947 में इंडिपेंडेंस मिला, बट दैट इंडिपेंडेंस केम विद द ब्लडी पार्टीशन. गेटिंग, मतलब बहुत खून खराबा हुआ था, बहुत लोग मरे थे. द कंट्री वॉज डिवाइडेड इंटू टू कंट्रीज, एंड वो बेसिकली किसकी वजह से था, बिकॉज ऑफ रिलीजन. गेटिंग, सो अगर हम अभी भी पावर शेयर नहीं करते, सो देर वेर चांसेस के फिर से ऐसा कुछ हो सकता था, फिर से ये पार्टीशन जैसी नौबत आ सकती थी. एंड टू अवॉइड दैट, ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने पावर्स को शेयर किया. करेक्ट. एंड प्लस हमने देखा कि इंडिपेंडेंस के देर वेर प्रिंसली स्टेट्स, इंडिपेंडेंस के टाइम पे देर वेर प्रिंसली स्टेट्स, तो उनको एक साथ एकोमोडेट करने के लिए इट वॉज वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि हम पावर्स को शेयर करें. एंड दैट वॉज द रीज़न कि इंडिया ने क्या डिसाइड किया, दैट दे आर गोइंग टू डू द पावर शेयरिंग. करेक्ट, वो अपना पावर शेयरिंग अरेंजमेंट को कंटिन्यू रखेंगे. देन उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था अबाउट द लिस्ट. करेक्ट, हम लोगों ने तीन लिस्ट के बारे में पढ़ा था. द फर्स्ट वन वॉज द यूनियन लिस्ट, जिसको हम क्या कह सकते हैं, सेंट्रल लिस्ट भी बोल सकते हैं. पहली लिस्ट कौन सी थी, द यूनियन लिस्ट, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द लिस्ट फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट. नाउ यूनियन लिस्ट के अंदर जितने भी सब्जेक्ट्स दिए होते हैं, वो सब सब्जेक्ट्स पर डिसीजन लेने का वर्क कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है. कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है. यूनियन लिस्ट पर जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं, वो सब्जेक्ट्स किसके अंडर होते हैं, दिस ऑल सब्जेक्ट्स आर अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट इज़ द यूनियन गवर्नमेंट. यहाँ पर जो भी डिसीजन लेना होगा वो सिर्फ और सिर्फ कौन लेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी. ठीक है, इसमें आते हैं डिफेंस. ओके, देन सेकेंड था हमारा स्टेट लिस्ट. सो स्टेट लिस्ट के अंदर जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, उन सब्जेक्ट्स पर कौन डिसीजन लेगा, द स्टेट गवर्नमेंट ऑब्वियसली. यहाँ पर सेंट्रल इंटरफेयर नहीं करेगा. फिर उसके बाद हमने थर्ड लिस्ट पढ़ा था, दैट थर्ड लिस्ट वॉज द कॉन्करेंट लिस्ट. तीसरी लिस्ट कौन सी थी, कॉन्करेंट लिस्ट थी. सो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर वो सब्जेक्ट्स होते हैं जो सब्जेक्ट स्टेट और सेंटर दोनों को अफेक्ट करते हैं. गेटिंग, कॉन्करेंट लिस्ट में कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स होते हैं जो सब्जेक्ट स्टेट और सेंटर दोनों को अफेक्ट करते हैं. ओके, सो अगर दोनों को अफेक्ट करते हैं तो डिसीजन भी कौन लेगा, दोनों लेंगे. करेक्ट, सो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर जितने भी सब्जेक्ट्स आते हैं, उन सारे सब्जेक्ट्स पर डिसीजन मेकिंग का वर्क सेंट्रल एंड स्टेट दोनों गवर्नमेंट्स करती हैं. ओके, देन उसके बाद आपका क्वेश्चन हो सकता है कि मैम अगर सेंट्रल और स्टेट दोनों के व्यूज़ अलग हुए तो. सी, मेनी अ टाइम्स क्या होता है कि सेंटर और स्टेट में अगर सेम पॉलिटिकल पार्टी है तो प्रॉब्लम नहीं आएगा. मतलब बहुत रेयर चांस है कि कुछ प्रॉब्लम अकर हो सकता है. प्रॉब्लम बेसिकली कब आता है, जब सेंटर और स्टेट दोनों में डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हो. करेक्ट, प्रॉब्लम कब आएगा, जब सेंटर और स्टेट दोनों में डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज है, उस टाइम पर प्रॉब्लम आएगा. अगर सेम पॉलिटिकल पार्टी है तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम नहीं आएगा. बट अगर दोनों पार्टीज अलग है, दैट इज सेंटर एंड स्टेट की पार्टीज अलग है, तो देर आर चांसेस कि दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो सकते हैं.
अगर ऐसा कुछ सीन हुआ, दैट इज़ अगर ऐसे कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हुए, तो उस टाइम पर जो डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिया है वो डिसीजन फाइनल होगा। समझ में आया क्या बोला मैंने? दैट इफ़ कॉन्करेंट लिस्ट के जो सब्जेक्ट्स हैं, अगर उन सब्जेक्ट्स पर हमने क्या पढ़ा, दैट यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट्स गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन लेती है, स्टेट इंटरफेयर नहीं करता। देन स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर स्टेट डिसीजन लेता है, सेंट्रल इंटरफेयर नहीं करती। कॉन्करेंट लिस्ट इज़ द लिस्ट जिसमें स्टेट एंड सेंट्रल दोनों होते हैं, करेक्ट? कॉन्करेंट लिस्ट कौन सी लिस्ट होती है जहाँ पर स्टेट और सेंट्रल दोनों होते हैं? अगर दोनों हैं तो ऑब्वियसली डिसीजन भी दोनों ही लेंगे, गेटिंग? एंड बहुत बार ऐसे भी होता है कि दोनों एक टॉपिक पर अग्री नहीं करते। तो अगर ऐसा हुआ कि अगर दोनों ने एक टॉपिक पर अग्री नहीं किया, तो उस केस में जो डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिया है वो डिसीजन फाइनल होगा, करेक्ट? यहाँ तक हम लोगों ने अपने लास्ट टॉपिक में कंप्लीट किया था। नाउ इसके आगे के टॉपिक्स अभी हम कंप्लीट करेंगे। आज का फर्स्ट टॉपिक है, हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड, इंडिया के अंदर फेडरलिज्म कैसे प्रैक्टिस होता है। तो इसके लिए टोटल 3 टॉपिक्स हैं। पहला है लिंग्विस्टिक स्टेट्स, दूसरा है लैंग्वेज पॉलिसी, एंड तीसरा है सेंटर स्टेट रिलेशंस। सो इंडिया में फेडरलिज्म प्रैक्टिस होने के लिए देर आर 3 टॉपिक्स, सब टॉपिक्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। द फर्स्ट वन इज लिंग्विस्टिक स्टेट्स। पहला टॉपिक कौन सा है हमारा? लिंग्विस्टिक स्टेट्स। तो इसी से हम स्टार्ट करेंगे। ओके, पहली बात तो लिंग्विस्टिक का मतलब क्या होता है? लैंग्वेज। व्हाट डू यू मीन बाय लिंग्विस्टिक? लिंग्विस्टिक का मतलब होता है लैंग्वेज। सो लेट्स स्टार्ट कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस देर वेर मेनी प्रिंसली स्टेट्स इन इंडिया। जब हम लोगों को हमारी कंट्री को इंडिपेंडेंस मिला था, सो वी ऑल नो कि हमारी कंट्री में बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स थे। कुछ 540 या 49 प्लस प्रिंसली स्टेट्स हमारी कंट्री में प्रेजेंट थे, करेक्ट? अगर तब हम लोगों ने स्टेट्स नहीं फॉर्म किए होते तो आज हमारी कंट्री में 29 स्टेट्स नहीं होते, आज हमारी कंट्री में 550 स्टेट्स से भी ज़्यादा होते। सो इंडिया के अंदर लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनाए गए थे, एंड बिफोर इंडिपेंडेंस, या हम कह सकते हैं इंडिपेंडेंस के टाइम पर, देर वेर मेनी प्रिंसली स्टेट्स प्रेजेंट इन इंडिया। द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट वॉज द फर्स्ट मेजर टेस्ट फॉर इंडियाज फेडरलिज्म। क्या बोला है कि इतने सारे स्टेट्स को हटाकर, 500 प्लस स्टेट्स को हटाकर लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट्स बनाना, ये इंडिया के लिए पावर शेयरिंग का पहला स्टेप भी था एंड पहला टेस्ट भी था। गेटिंग? मतलब स्टेट्स बना दिए, अगर पैसे सब अग्री नहीं हुए तो प्रॉब्लम्स अराइज हो सकते थे। सो ये पहला स्टेप भी था हमारे लिए फेडरलिज्म के लिए, पावर शेयरिंग के लिए, एंड हम कह सकते हैं कि दिस वाज द फर्स्ट टेस्ट आल्सो। गेटिंग? पहला टेस्ट भी था एंड पहला स्टेप भी था फॉर शेयरिंग द पावर्स। देन सेकेंडली क्या बोला हुआ है, सेवरल ओल्डर स्टेट्स वेर चेंज्ड। क्या दिया हुआ है? सेवरल ओल्डर स्टेट्स वेर चेंज्ड इन ऑर्डर टू मेक द न्यू स्टेट्स। बहुत सारे पुराने स्टेट्स को चेंज किया गया था सो दैट नए स्टेट्स जो है उनको हम लेकर आ सकें, ठीक है? व्हाट इज़ गिवन इन द सेकेंड पॉइंट, कि पुराने स्टेट्स को चेंज करके हमने न्यू स्टेट्स फॉर्म किए थे। थर्ड पॉइंट क्या दिया हुआ है यहाँ पे, दिस वॉज डन टू इंश्योर दैट पीपल हु स्पीक सेम लैंग्वेज शुड शेयर अ कॉमन स्टेट। नाउ लिंग्विस्टिक, दैट इज लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट बनाने का सबसे मेन रीज़न क्या था? सो इसका रीज़न ये था कि जो लोग सेम लैंग्वेज बोलते हैं, करेक्ट, उनको एक ही एरिया या एक ही बाउंड्रीज को शेयर करना चाहिए, एक ही स्टेट को शेयर करना चाहिए। दिस वॉज द आइडिया बिहाइंड मेकिंग द लिंग्विस्टिक स्टेट्स, ठीक है? लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट्स क्यों बनाए थे? सो दैट जो लोग एक जैसा लैंग्वेज बोलते हैं वो एक ही एरिया के अंदर रहे, इसीलिए लिंग्विस्टिक स्टेट्स फॉर्म किए गए थे। नाउ इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं, बेसिकली वो सबके सब लैंग्वेज के बेसिस पर नहीं है। कुछ ऐसे स्टेट्स भी है जो सेम कल्चर
फॉलो करते हैं. सो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में वही दिया हुआ है कि देर वेर सेवरल स्टेट्स दैट वेर फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन कल्चर रेदर देन कॉमन लैंग्वेज. इंडिया में बहुत सारे ऐसे स्टेट्स थे जिन स्टेट्स को लैंग्वेज के बेसिस पर नहीं फॉर्म किया गया था, रेदर देन लैंग्वेज ये स्टेट्स को फॉर्म किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन कल्चर. एक जैसा कल्चर फॉलो करते थे वो लोग, इसीलिए इनको एक स्टेट बनाया गया था. उत्तराखंड, नागालैंड एंड झारखंड, दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ स्टेट्स जो लैंग्वेज के बेसिस पर फॉर्म नहीं हुए थे. ये स्टेट्स जो है वो किस बेसिस पर फॉर्म हुए थे? ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन कल्चर दे शेयर्ड. ठीक है, पहला टेस्ट क्या था इसका? लिंग्विस्टिक स्टेट्स, दैट इज लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट्स बनाना. नाउ गवर्नमेंट ने स्टेट्स तो बना दिए थे ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, बट गवर्नमेंट को ऐसा भी लग रहा था कि मे बी देर आर चांसेस के लोग इसको अपोज करेंगे, बिकॉज इंडिपेंडेंस था ऑलरेडी, वी सॉ अ पार्टीशन जो रिलीजन के बेसिस पर हुआ था, एंड हमने इतने सारे स्टेट्स को हटाकर कुछ गिने चुने स्टेट्स ला कर रख दिए. सो देर वेर चांसेस के इतना बड़ा चेंज हुआ है तो देर वेर चांसेस के लोग इसका अपोज करेंगे, बट लकीली लोगों ने इसका अपोज नहीं किया. ये जो लैंग्वेज के बेसिस पर हमारे स्टेट्स फॉर्म हुए थे, ये हमारे लिए एक हम वी कैन से दैट फेडरलिज्म का जो हमारा पहला टेस्ट था, उस टेस्ट को हम लोगों ने पास कर दिया था. ओके, सो ये हमारा पहला टॉपिक ख़त्म हुआ फेडरलिज्म का. सेकेंड था लैंग्वेज पॉलिसीज. नाउ गवर्नमेंट ने, सी हमने देखा था कि श्रीलंका के अंदर द सिन्हाला स्पीकर वेर इन मेजॉरिटी, उन्होंने अपनी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज बना दिया था, एंड व्हाट नॉट थिंग्स हैपन देयर. वहाँ पे हमने देखा कि धीरे धीरे करके इट लेड टू द सिविल वॉर, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम अराइज हो गया. सो उस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने इसको एक डिफरेंट वे से टैकल किया था, डिफरेंट वे से हैंडल किया था, एंड वी मेड डिफरेंट पॉलिसीज रिगार्डिंग द लैंग्वेज. सो एक बार देखते हैं कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है. द सेकेंड टेस्ट फॉर इंडियन फेडरेशन वॉज द लैंग्वेज पॉलिसी. सेकेंड टेस्ट क्या था इंडियन फेडरेशन के लिए? द लैंग्वेज पॉलिसी टेस्ट, वी कैन से दैट. सो वी ऑल नो कि इंडिया के अंदर मेजॉरिटी जो लैंग्वेज पीपल स्पीक इज हिंदी, करेक्ट. अगर उसके बेसिस पर अगर हम श्रीलंका को फॉलो करते एंड मेजॉरिटी के बेसिस पर अगर हम नेशनल लैंग्वेज बना देते हिंदी को, तो मे बी शायद हमारा कंडीशन भी श्रीलंका जैसा होता, बट इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया. विल सी इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया था. सो आर कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनी वन लैंग्वेज. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने नेशनल लैंग्वेज का स्टेटस किसी एक लैंग्वेज को नहीं दिया था. गेटिंग नेशनल लैंग्वेज का स्टेटस किसी भी एक लैंग्वेज को नहीं दिया था. रेदर हिंदी वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज. अपार्ट फ्रॉम हिंदी 21 अदर शेड्यूल लैंग्वेजेस वेर रिकॉग्नाइज्ड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज. सी गवर्नमेंट ने क्या किया, हमारी हिंदी मेजॉरिटी ऑफ इंडियन स्पोक हिंदी है, अराउंड कुछ तो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, अराउंड कुछ 38-40% पॉपुलेशन जो है वो हिंदी बोलता है. सो अगर हम मेजॉरिटी का फॉलो करते हैं तो हिंदी शुड हैव बिकम आर नेशनल लैंग्वेज, बट बिकॉज दिस कुड अराइज द कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द अदर लैंग्वेजेस, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया. ओके, अब अकेले हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं बनाया, हिंदी के अलावा देर वेर 21 डिफरेंट शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस जिनको ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया था. क्लियर, कितनी लैंग्वेजेस को? अपार्ट फ्रॉम हिंदी देर वेर 21 डिफरेंट शेड्यूल लैंग्वेजेस जिनको ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया था. फॉर ऑफिशियल पर्पस द डिसीजन टू यूज हिंदी इंग्लिश एंड द स्टेट लैंग्वेज वॉज टेकन. क्या बोला है कि अगर कुछ भी ऑफिशियल वर्क होगा तो उस वर्क के लिए तीन लैंग्वेजेस यूज होंगी, हिंदी इंग्लिश विल बी कॉमन फॉर दी होल कंट्री, एंड तीसरा लैंग्वेज जो होगा वो होगा स्टेट लैंग्वेज, दैट इज़ अगर हम गुजरात में हैं, ठीक है, एंड अगर हम कुछ ऑफिशियल वर्क कर रहे हैं तो वहाँ पे तीन लैंग्वेजेस में हम ये कर सकते हैं, हिंदी में, इंग्लिश में एंड गुजराती में. ठीक है, सपोज़ वी आर इन महाराष्ट्र, तो हिंदी इंग्लिश एंड मराठी. इवन जो हम
एग्ज़ाम्स वगैरह देते हैं वहाँ पर भी वी गेट दी ऑप्शन हिंदी एंड इंग्लिश का ऑप्शन हमें मिलता है. देन देर आर सर्टन स्टेट्स जो थर्ड लैंग्वेज का ऑप्शन भी हमें देते हैं. सो इसीलिए के मतलब अवॉइड करने के लिए, कॉन्फ्लिक्ट्स अवॉइड करने के लिए क्या किया गया था, हिंदी इंग्लिश के साथ में जो स्टेट लैंग्वेज है उसको भी ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया था. आप देख सकते हो आज हम गुजरात में, गुजरात का जो भी ऑफिशियल वर्क होता है आइदर हिंदी में होता है, इंग्लिश में होता है, या फिर जो हमारी गुजराती लैंग्वेज है उसमें होता है. ये तीन लैंग्वेजेस है जिसमें हम अपना ऑफिशियल वर्क कर सकते हैं. अगर हम महाराष्ट्र में होते तो वहाँ पर भी तीन लैंग्वेजेस होती, हिंदी, इंग्लिश और मराठी. इसका बेस्ट एग्जांपल देखो, जब आप ट्रेन से ट्रैवल करते हो, करेक्ट, तो देखो आप जो स्टेशन पर अनाउंसमेंट्स होते हैं तो वो अनाउंसमेंट्स भी तीन लैंग्वेजेस में होते हैं. पहले इंग्लिश में बोलते हैं, देन उसके बाद दे से इन हिंदी, एंड फिर उसके बाद वो लोग गुजराती में बोलते हैं. जब वो मुंबई में लोकल पकड़ते हैं तो वहाँ पर दे यूज़ अगेन थ्री लैंग्वेजेस, हिंदी, इंग्लिश एंड मराठी, करेक्ट. तो ये डिसीजन लिया गया था. नाउ एक और टॉपिक है इसमें, दैट 1965 में इट वाज डिसाइडेड कि हम इंग्लिश यूज़ नहीं करेंगे. ठीक है, वी ऑल नो के इंग्लिश जो है वो हमारा लैंग्वेज नहीं है, करेक्ट. ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया, ये उनका लैंग्वेज था. सो गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया था कि ब्रिटिशर्स चले गए बट वाई वी आर यूजिंग देयर लैंग्वेज, हमें उनकी लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी चाहिए. इंग्लिश इज़ नॉट आर लैंग्वेज, हमें अपनी लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए. इसीलिए 1965 में गवर्नमेंट केप्ट अ प्रपोजल कि हम हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बना देते हैं, ओनली हिंदी, हम मतलब इंग्लिश हटा देते हैं. सो ये सजेशन था सो दैट जो इंग्लिश है, जो ब्रिटिशर्स की लैंग्वेज है, हम उससे निकल सकें. बिकॉज आप देख सकते हो वर्ल्ड की जितनी भी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं वो इंग्लिश नहीं यूज़ करते. यानी अब देखो जापान, कोरिया, चाइना, ये सब अपनी अपनी लैंग्वेज यूज़ करते, दे डोंट यूज़ इंग्लिश. इंग्लिश खाली सॉरी, ओके, थैंक यू, ये सब के लिए, या फिर अगर वो फॉरेन कंट्री के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वो इंग्लिश यूज़ करेंगे, वरना उनका एजुकेशन सिस्टम सब कुछ जो है वो उनकी लैंग्वेज में होता है. सो इवन इंडिया डिसाइडेड दिस, और गवर्नमेंट ने प्रपोजल रखा दैट इन द ईयर 1965 दैट इंग्लिश को हम हटा देते हैं एंड लेट्स मेक हिंदी दी ऑफिशियल लैंग्वेज. सो जो सदर्न स्टेट्स थे हमारी कंट्री के, उन लोगों ने इस पॉलिसी को अपोज किया. आई थिंक जो सदर्न स्टेट्स थे, बिकॉज वी नो के इन साउथ ऑफ इंडिया हिंदी बहुत पॉपुलरली यूज़ नहीं होती. हिंदी मोस्टली जो यूज़ होती है वो नॉर्दर्न पार्ट में होती है एंड समवॉट इन दी वेस्टर्न एंड दी ईस्टर्न, ईस्टर्न में भी कंप्लीट नहीं बोल सकते हम, लेकिन साउथ इंडिया में हिंदी यूज़ नहीं होती है. ठीक है, सो जो साउथ इंडियन स्टेट्स थे उन्होंने इस बात का अपोज किया. तमिलनाडु वॉज द स्टेट्स जिन्होंने क्लियरली बोल दिया दैट इफ़ हिंदी बिकम्स द ऑफिशियल लैंग्वेज, या हिंदी बिकम्स द नेशनल लैंग्वेज, तो वी विल लिव दिस कंट्री, मतलब हम इस कंट्री का पार्ट नहीं रहेंगे. उन्होंने क्लियर ये बोल दिया. बहुत दंगे वगैरह हुए वहाँ पे, एंड फाइनली गवर्नमेंट को ये आइडिया ड्रॉप करना पड़ा. दैट इज़ ये आइडिया गवर्नमेंट ने यूज़ नहीं किया, बिकॉज ऑब्वियसली यूनिटी मैटर्स दी मोस्ट, है ना. कंट्री का यूनिटी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बाकी की चीज़ें हम बाद में अचीव कर सकते हैं, बट एक बार यूनिटी ब्रेक हुआ तो हम कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे. सो गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया, गवर्नमेंट डिसाइडेड कि जो तमिलनाडु या जो सदर्न स्टेट्स की डिमांड है हम उसको फुलफ़िल करेंगे, एंड उन्होंने हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं बनाया, नेशनल लैंग्वेज नहीं बनाया. बट उसके बाद गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि धीरे धीरे करके विल यूज़ हिंदी, मतलब हर जगह पर हिंदी विल बी एटलीस्ट अ सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट, एक लैंग्वेज, एक जो भी हमारा एकेडमिक है, एकेडमिक ईयर हमारा स्कूल्स है, वहाँ पर एटलीस्ट एक सब्जेक्ट हिंदी पढ़ाया जाएगा. सो दैट ज़्यादा कुछ नहीं तो कम से कम हमारे पास एक कॉमन लैंग्वेज होगा कम्युनिकेट करने के लिए, करेक्ट. हमारे पास 22 लैंग्वेजेस हैं. अगर हम यहाँ से सदर्न पार्ट में ट्रैवल करें तो हमें उनकी लैंग्वेज नहीं आती, तो प्रॉब्लम होती है, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होती है. सो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया कि अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश एक और कॉमन लैंग्वेज होनी चाहिए, दैट इज़ हिंदी. इसीलिए हिंदी को एकेडमिक्स में कंपलसरी कर दिया, नॉट एज अ वे के इम्पोज कर रहे, ऐसा कुछ नहीं था, जस्ट एक और कॉमन लैंग्वेज हमारे बीच में आ जाए. इसीलिए उन्होंने क्या किया, हिंदी को
कंपलसरी किया कि हर एक स्कूल को एक एटलीस्ट एक सब्जेक्ट हिंदी में कराना चाहिए, सो दैट पूरी कंट्री जो है उसको इंग्लिश के अलावा एक और कॉमन लैंग्वेज आ जाए. क्लियर? सो ये था हमारा सेकेंड पार्ट, दैट वॉज द लैंग्वेज पॉलिसी. नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हो यहाँ पे 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं. कितनी? 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं, जिसमें हिंदी, यू कैन सी हिंदी जो है वो 41% लोग बोलते हैं. कितने परसेंट? 41% लोग. अच्छा, ये सब लैंग्वेजेस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई हैं. आसामी, बंगाली, बोडो, डोंगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी. सो दिस आर ऑल दी लैंग्वेजेस जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है. दिस आर 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस दैट आर रिटन इन आर कॉन्स्टिट्यूशन. इसमें आप देख सकते हो कि हिंदी इज़ द लैंग्वेज जो मोस्ट ऑफ द लोग बोलते हैं. दैट इज़ 41% पीपल आर स्पीकिंग दी हिंदी लैंग्वेज. तो इसीलिए गवर्नमेंट का सजेशन था, बट ठीक है, इट वॉज नॉट एक्सेप्टेड. इसीलिए वापस हमने क्या किया, फिर से तीन लैंग्वेजेस वाला पॉलिसी यूज़ किया, हिंदी, इंग्लिश एंड दी स्टेट लैंग्वेज. ओके, हमारा अब थर्ड टॉपिक. दो टॉपिक हमने कंप्लीट किए फॉर प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म. पहला था लिंग्विस्टिक स्टेट, ये पहला टेस्ट था. दूसरा टेस्ट था लैंग्वेज पॉलिसी. एंड हमारा तीसरा टेस्ट था द रिलेशनशिप बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट. ओके, सो ये थोड़ा ज़रूरी है, देखते हैं एक बार इसको. हाँ, वी ऑल नो दैट स्टार्टिंग में मतलब एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हमारे पास एक ही मेजर पॉलिटिकल पार्टी थी, दैट वॉज कांग्रेस. ऑब्वियसली एक ही मेजर पॉलिटिकल पार्टी थी, सेंटर पे भी वही पार्टी थी एंड डिफरेंट स्टेट्स में भी वही पार्टी थी. रिमेंबर ना, क्योंकि INC दैट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज द पार्टी जिसने हमें मतलब दैट वॉज द ओनली पोलिटिकल पार्टी जो पूरे कंट्री में प्रेजेंट थी. सो दूसरी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी एंड दैट वाज द रीज़न कि सेंटर एंड स्टेट दोनों में एक ही पार्टी रहती थी. अब आई टोल्ड यू कि जब सेंटर और स्टेट में एक ही पार्टी है तो पावर्स एंड अथॉरिटीज ये सब का कोई क्वेश्चन ही नहीं अराइज होता है ना. एक ही सिंगल पार्टी है, डिसीजंस मिलकर लेंगे और स्टेट ऑब्वियसली अग्री भी करेगा उन डिसीजंस पर, स्टेट अपोज नहीं करेगा उन डिसीजंस को अगर सेम पार्टी है तो. सो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द सेंटर एंड द स्टेट वॉज गवर्न्ड बाय द सेम पार्टी. द स्टेट गवर्नमेंट डिड नॉट हैव एनी ऑटोनॉमस पावर्स. इंडिपेंडेंस के टाइम पर या उसके कुछ ईयर्स के बाद तक भी सेंटर एंड स्टेट दोनों में सेम पार्टी रहती थी एंड ड्यू टू दैट रीज़न स्टेट गवर्नमेंट के पास अपने खुद के कोई पावर्स नहीं थे, है ना. ऑब्वियसली अगर सेंटर पे भी वही सेम पार्टी है तो स्टेट गवर्नमेंट अपने पावर्स यूज़ नहीं कर पाता था. स्टेट गवर्नमेंट को उन्हीं डिसीजंस को फॉलो करना पड़ता था जो सेंट्रल ने ऑलरेडी लिए हैं. एज एंड व्हेन द रूलिंग पार्टी एट द सेंटर एंड स्टेट वे डिफरेंट द सेंट्रल गवर्नमेंट ट्राइड टू सप्रेस द पावर्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. नाउ धीरे धीरे करके न्यू पॉलिटिकल पार्टीज आने लगी, करेक्ट. उनका जो पॉपुलैरिटी था लोगों में वो बढ़ने लगा, वो लोगों को इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने मिला, लोगों ने उन्हें वोट किया एंड फाइनली जो स्टेट एंड सेंट्रल में जो सेम पार्टी का जो ट्रेडिशन चला आ रहा था वो ब्रेक हुआ, करेक्ट. सेंट्रल एंड स्टेट पर अब डिफरेंट पार्टीज आने लगी. नाउ अब डिफरेंट पार्टीज हैं तो ऑब्वियसली उनके डिसीजन मेकिंग में कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे, करेक्ट. डिसीजन मेकिंग में कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे, दोनों एक दूसरे के अपोज में रहेंगे एंड ये सब चीज़ें रहेगी. नाउ जब ऐसा हुआ, जब स्टेट ने कहा कि ये हमारा पावर है, ये हम इसके रिलेटेड डिसीजंस लेंगे, ये सब बातें जब स्टेट ने बोली तो सेंट्रल ने क्या ट्राई किया? सेंट्रल ने ट्राई किया कि उनके पावर्स को सप्रेस किया जाए. मीनिंग स्टेट को उन लोगों ने क्लियर पावर्स ही नहीं दिए. स्टार्टिंग में सेम पार्टी थे तो पावर्स डिवाइड करने का क्वेश्चन ही नहीं अराइज हुआ. बाद में जब अलग अलग पार्टी बने, जैसे सेंट्रल पे अलग, स्टेट में अलग पॉलिटिकल पार्टी, ऐसे टाइम पर स्टेट ने अपने पावर्स के लिए डिमांड किया बट सेंट्रल ने ट्राई आउट किया कि उन पावर्स को, मतलब वो पावर्स देने से उन्होंने डिनाई कर दिया. सो ये सब सिचुएशन हमारी कंट्री में कब तक था? टिल 1990s तक. 1990s तक यही सब सिचुएशन चल रहा था कि
द सेंटर वॉज द मोस्ट पावरफुल, स्टेट के पास पावर्स नहीं थे एंड द स्टेट जो है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वॉज डोमिनेटेड बाई द सेंटर. ये कब तक था? टिल द ईयर 1990s. के बाद सिचुएशन जो है वो बहुत चेंज हुई एंड ये चेंजेस जो है वो बेसिकली आए बिकॉज ऑफ द कोएलिशन गवर्नमेंट. किसकी वजह से आए? कोएलिशन. ये हमने ऑलरेडी एक बार पढ़ा हुआ है, गठबंधन है ना. हमने न्यूज़ चैनल्स में बहुत बार ये वर्ड पढ़ा होगा जब भी इलेक्शंस होते हैं एंड जब भी कुछ रहता है ऐसा पार्टीज़ के रिलेटेड. सो गठबंधन वर्ड हम बहुत बार सुनते हैं. सो व्हाट इज़ गठबंधन? बेसिकली जब किसी एक पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिलती, कुछ नंबर ऑफ सीट्स होती है, अगर उतनी सीट उनको अकेले को नहीं मिली तो ऐसे केस में वो पॉलिटिकल पार्टी को किसी दूसरी पार्टी के साथ मिलकर गवर्नमेंट फॉर्म करनी पड़ती है. ठीक है, क्या कहा मैंने कि अगर बाय चांस किसी एक पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिला तो क्या करना पड़ता है उनको? उनको दूसरी पार्टी के साथ में मिलकर गवर्नमेंट फॉर्म करनी पड़ती है एंड दैट टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड एज कोएलिशन. नाउ अब वो लोग पावर्स उनको शेयर करनी पड़ रही है, करेक्ट? कोएलिशन में हमने देखा कि अगर आप अकेले नहीं जीत रहे तो यू हैव टू टेक दी अदर पार्टी ऑल्सो. और अगर आप दूसरी पार्टी को अपने साथ ले रहे हो तो ऑब्वियसली आपको उनके साथ अपनी पावर्स को शेयर करना पड़ेगा. सो दिस वॉज द वे जिसकी वजह से धीरे धीरे करके स्टेट एंड जो लोकल या रीजनल पार्टीज़ उनका इम्पोर्टेंस बढ़ने लगा, उन्हें भी सेंटर में पोजीशन मिलने लगी एंड धीरे धीरे करके पावर्स, रिसोर्सेस, मनी, दैट इज़ वो सब चीज़ें स्टेट सेंट्रल उनके साथ शेयर करने लगा. सो लेट्स सी क्या लिखा है यहाँ पे. ऑल दिस चेंज्ड आफ्टर 1990s when the regional and state parties became stronger. This started with the era of coalition government. ये situation जो थी, that is जब center state को dominate कर रहा है and all, ये situation 1990s के बाद completely change हो गई. क्यों change हुई? Because of the coalition government. अब यहाँ पर अकेली एक party government form नहीं कर पा रही है, एक से ज़्यादा parties आ रही है and जितनी parties इसमें involve हो रही है उतना पावर्स जो है वो डिवाइड होता जा रहा है. और अगर पावर्स डिवाइड हो रहा है तो एक अकेली पार्टी अपने अकॉर्डिंगली चीज़ें नहीं कर सकती, उन्हें क्या करना पड़ेगा? पावर्स को शेयर करना पड़ेगा. ग्रेजुअली द पावर ऑफ स्टेट्स एंड रीजनल पार्टीज स्टार्टेड इंक्रीजिंग. पावर्स ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल पार्टीज इंक्रीज, दैट इज स्टार्टेड इंक्रीजिंग. धीरे धीरे करके क्या हुआ? जो सेंटर एंड स्टेट था, सॉरी स्टेट एंड जो रीजनल पार्टीज थी, धीरे धीरे करके उनकी पावर्स जो है वो बढ़ने लग गई क्योंकि उन लोग वो भी अब सेंट्रल में अपनी पावर्स शेयर कर रहे थे. लेकिन सेंट्रल में अब उनका भी हिस्सेदारी था, दे वेर ऑल्सो दी पार्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट क्योंकि अकेले सेंट्रल अकेली एक पोलिटिकल पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिली, उन्हें मेजॉरिटी नहीं मिली तो उन्होंने क्या किया? अपने पावर्स को लोकल पार्टीज़ के साथ शेयर किया एंड लोकल पार्टीज़ के साथ शेयर किया तो ऑब्वियसली लोकल पार्टीज़ का पावर जो था वो बढ़ने लग गया, करेक्ट? तो ये था हमारा सेंटर एंड स्टेट रिलेशन. तो धीरे धीरे करके थिंग्स चेंज्ड. अब देखते हैं कि लोकल गवर्नमेंट कब आया. ये हमने सेंटर स्टेट का देखा कि पहले सेंटर वॉज द मोस्ट पावरफुल वन, करेक्ट? फिर उसके बाद 90s में उन्होंने स्टेट के साथ भी पावर्स शेयर किए. अब स्टेट के साथ पावर शेयर किए तो सिर्फ स्टेट पूरा कंट्री मैनेज, सॉरी पूरा स्टेट एक पार्टी नहीं मैनेज कर सकती, करेक्ट? स्टेट्स भी बड़े होते हैं, हमारी कंट्री के जो स्टेट्स है इवन वो भी वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रीज से बड़े हैं, है ना. हमने बेल्जियम श्रीलंका का देखा, वो पूरी कंट्री हमारा जो हरियाणा है उससे भी छोटी थी. सो इतनी बड़ी कंट्री प्लस इतनी बड़ी कंट्री प्लस इतने बड़े बड़े स्टेट्स, सो इतने बड़े स्टेट्स को भी एक पार्टी गवर्न नहीं कर सकती या एक ग्रुप नहीं गवर्न कर सकता, इसीलिए पावर्स को फिर से शेयर किया गया था बिटवीन द स्टेट एंड द लोकल. ये जो हमने अभी पढ़ा ये क्या था हमारा? व्हेन पावर्स आर शेयर्ड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, है ना. पहले सेंटर के पास सारे पावर्स थे बट धीरे धीरे करके वो पावर्स उन्होंने स्टेट के साथ शेयर किए. अब हमारा अगला जो टॉपिक है उसमें क्या दिया हुआ है? अबाउट द डिसेंट्रलाइजेशन. तो देखते हैं कि बेसिकली ये डिसेंट्रलाइजेशन है क्या. यहाँ तक
एक बार वापस रिवाइज करते हैं हम. सो फेडरलिज्म के लिए तीन स्टेप्स दिए हैं यहाँ पे. पहला स्टेप या पहला टेस्ट था दी लैंग्वेज पॉलिसी लिंग्विस्टिक स्टेट्स. सो हमारी कंट्री में जो पुराने स्टेट्स थे उनको हटाकर हमने क्या किया, लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट्स बनाए, है ना. दिस वाज द फर्स्ट एंड मेजर टेस्ट फॉर द फेडरलिज्म. सो यहाँ पर हमने जो स्टेट सेम लैंग्वेज बोलते थे उनको कॉमन एरिया दे दिया या कॉमन स्टेट दे दिया. फिर उसके बाद हमने देखा कि देर वेर सर्टन स्टेट्स जो लैंग्वेज के बेसिस पर नहीं बने थे. देर वेर सर्टन स्टेट्स जिनको हमने बनाया था क्योंकि वो कॉमन कल्चर शेयर करते थे, करेक्ट. वो लोग क्या करते थे, कॉमन कल्चर शेयर करते थे एंड इसीलिए उनको हमने फॉर्म किया था. फिर सेकेंड टेस्ट था हमारा लैंग्वेज पॉलिसी. सो इसके लिए हमने, हम कह सकते हैं कि श्रीलंका से कुछ सीख लिया होगा हमने, इसलिए हमने एक लैंग्वेज को ऑफिशियल नहीं बनाया. दो हिंदी मेजॉरिटी लोग बोलते थे बट फिर भी हमने उसको नेशनल लैंग्वेज का जो स्टेटस था वो नहीं दिया, बिकॉज वी न्यू के इंडिया इज़ द कंट्री फॉर ऑल. लाइक हम सबकी कंट्री है वो, सिर्फ जो हिंदी बोलते हैं या गुजराती बोलते हैं या मराठी बोलते हैं उनकी कंट्री नहीं है. इंडिया इज़ द कंट्री जहाँ पर सब सिटीज़न इक्वल है. अगर सारे सिटीजन्स इक्वल है तो ऑब्वियसली सारी लैंग्वेजेस भी इक्वल है. सो इसीलिए दो मेजॉरिटी हिंदी स्पीकर्स थे बट फिर भी इंडिया ने हिंदी को नेशनल लैंग्वेज नहीं बनाया था. मतलब हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बनाने की जगह इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया था, हिंदी के साथ जो बाकी की अदर 21 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस थी उनको भी ऑफिशियल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज किया था. सो अब ऑफिशियल पर्पज़ के लिए हम क्या करते हैं, तीन लैंग्वेजेस यूज करते हैं, हिंदी, इंग्लिश और जो स्टेट की लैंग्वेज है वो. फिर इसमें मैंने बताया था कि 1965 में गवर्नमेंट ने एक प्रपोजल रखा था कि हिंदी को हम ऑफिशियल नेशनल लैंग्वेज बनाते हैं. क्यों ऐसा कहा गया था, क्योंकि इंग्लिश इज़ नॉट आर लैंग्वेज, इंग्लिश हमारी भाषा नहीं है, ये ब्रिटिशर्स की भाषा है. वो यहाँ पे थे, उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन सब चीज़ें उनकी भाषा में बनाई. उनके जाने के बाद भी हम उनकी लैंग्वेज यूज़ कर रहे थे, उनकी भाषा यूज़ कर रहे थे. सो गवर्नमेंट ने क्या सजेस्ट किया कि वो चेंज कर देते हम. फिर हिंदी का नाम आया. क्यों हिंदी का नाम आया, क्योंकि मेजॉरिटी लोग वो बोलते थे. सो गवर्नमेंट ने सजेस्ट किया बट जो सदर्न स्टेट्स थे उन्होंने इस बात का अपोज किया एंड फाइनली गवर्नमेंट ने आइडिया को ड्रॉप कर दिया. एंड जो पुराना पॉलिसीज था, दैट इज़ तीन लैंग्वेजेस का जो पॉलिसी था, हिंदी, इंग्लिश एंड स्टेट लैंग्वेज, उसको रिज्यूम कर लिया. यहाँ पे 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस आपको दी हुई है, जस्ट गो थ्रू दिस वंस. एग्ज़ाम में नहीं आएगी बट एग्ज़ाम में आ सकता है कि हाईएस्ट पॉपुलेशन जो है वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, मतलब विच इज़ द लैंग्वेज स्पोक बाय द हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल एंड लोवेस्ट, ये दो पूछ सकते हैं. इसके अलावा तो शायद कुछ भी नहीं पूछ सकते इस टॉपिक में से. सो जस्ट गो थ्रू इट वंस. फिर हमने सेंटर स्टेट के रिलेशंस पढ़े. सो वी सॉ के पहले सेंटर और स्टेट दोनों में से सेंटर ज़्यादा पावरफुल था क्योंकि सेम पार्टीज थी वहाँ पे. ग्रेजुअली पार्टीज बदलने लगी तो सेंटर उनको सप्रेस करने लग गया. सेंटर अपने पावर्स यूज़ कर रहा था और जो स्टेट पार्टी थी बेचारी उनको बहुत सफ़र करना पड़ रहा था क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास मेजर पावर्स थी. लेकिन 1990s के बाद ये सब चेंज हुआ बिकॉज ऑफ कोएलिशन गवर्नमेंट, क्योंकि अब यहाँ पे पावर्स जो थी वो खुद सेंटर को शेयर करनी पड़ रही थी क्योंकि सेंटर अकेला गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर पा रहा था, इसीलिए सेंटर को भी अपने पावर्स को शेयर करना पड़ रहा था. ओके, अब पढ़ते हैं हम अबाउट द डिसेंट्रलाइजेशन. सो डिसेंट्रलाइजेशन बेसिकली क्या होता है, जब हम पावर्स डिवाइड करते हैं. यहाँ पे डेफिनेशन हमें दिया हुआ है, व्हेन पावर्स आर टेकन अवे फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट एंड गिवन टू द लोकल गवर्नमेंट इट इज़ कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन. मतलब जब पावर्स को हम, मतलब थोड़े पावर्स हम सेंट्रल गवर्नमेंट से लेते हैं, थोड़े पावर्स हम स्टेट से लेते हैं और वो पावर्स को हम किसको शिफ्ट करते हैं, लोकल को, तो उसे हम क्या कहते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर. क्या कहते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन. व्हेन पावर्स आर टेकन अवे फ्रॉम सेंटर एंड स्टेट, जब पावर्स हम सेंटर और स्टेट से लेकर लोकल गवर्नमेंट को दे देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन. मेजर स्टेप्स टू वॉज टेकन टू डिसेंट्रलाइज द पावर इन 1992.
लोकल को ज़्यादा पावर्स देने का कब डिसाइड हुआ था? 1992 में. नाउ इसके पहले भी लोकल गवर्नमेंट था बट इतना ज़्यादा उसका इम्पोर्टेंस नहीं था, लेकिन 92 के बाद सिचुएशंस चेंज हुए एंड लोकल गवर्नमेंट का इम्पोर्टेंस भी बढ़ने लग गया. अच्छा, लोकल गवर्नमेंट का इम्पोर्टेंस क्यों बढ़ने लगा? बिकॉज देर वर मेनी प्रॉब्लम्स जो स्टेट और सेंट्रल हैंडल नहीं कर पा रहा था. आई थिंक अगर हम बात करें कि उमरगांव में कुछ प्रॉब्लम्स है, तो ना तो इंडियन गवर्नमेंट डेट इज़ सेंट्रल गवर्नमेंट उसको सॉल्व करेगा और ना ही गुजरात का गवर्नमेंट. गुजरात का जो स्टेट गवर्नमेंट है डेट इज़ PM भी आने आएगा, CM भी आने आएगा. नाइदर द प्राइम मिनिस्टर इज़ गोइंग टू कम हियर नॉर द चीफ मिनिस्टर इज़ गोइंग टू कम हियर. प्लस उनको ये प्रॉब्लम्स के बारे में शायद पता भी नहीं चले ना, ऐसे कितने सारे डिस्ट्रिक्ट्स है एक स्टेट के अंदर, हर डिस्ट्रिक्ट में कितने सारे विलेजेस है, कितने सारे एरियाज़ है. तो मे भी हो सकता है कि जब तक कुछ बहुत बड़ा इशू नहीं हो तब तक उनको पता भी ना चले. सो ऐसे प्रॉब्लम्स के लिए इट वाज इम्पॉर्टेंट कि एक ऐसा गवर्नमेंट आए जो लोकेलिटी को जानता हो. करेक्ट, एक ऐसा गवर्नमेंट रहे जो लोकेलिटी को जानता हो. सो इसीलिए क्या फॉर्म किया गया था? लोकल गवर्नमेंट. क्योंकि लोकल गवर्नमेंट जो होती है उसके जो लोग होते हैं वो हमारे आसपास होते हैं. करेक्ट, वो उसी एरिया के लोग होते हैं. तो हमारी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो हम उनको डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं. एंड क्योंकि लोकल गवर्नमेंट के पास एरिया बहुत कम होता है तो इजीली वो लोग अपने अपने एरिया को बेटर कर सकते हैं. इसीलिए 1992 के बाद लोकल गवर्नमेंट का जो इम्पोर्टेंस था उसको बढ़ाया गया था. उसके साथ ज़्यादा पावर्स स्टेट को शेयर करने थे एंड ज़्यादा रिसोर्सेज भी स्टेट शेयर कर रहा था. सो लेट्स सी क्या क्या चीज़ें की गई थी. इट वॉज कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शंस फॉर द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज. नाउ ऐसा नहीं था कि पहले लोकल गवर्नमेंट में इलेक्शंस नहीं होते थे. इलेक्शंस होते थे लेकिन रेगुलर इलेक्शंस नहीं होते थे. दैट इज फिक्स टेन्योर पे इलेक्शंस नहीं होते थे. जैसे हमें पता है अभी सेंट्रल है, 5 साल ख़त्म हुए इलेक्शंस हो जाएंगे. स्टेट है, 5 ईयर्स ख़त्म हुआ इलेक्शन हो जाएगा. पर 92 के पहले लोकल के साथ ऐसा नहीं था. इटिंग वहाँ पे इरेगुलरली इलेक्शंस होते थे, रेगुलरली इलेक्शंस कंडक्ट नहीं किए जाते थे. सो 1992 में इट वाज डिसाइडेड, लॉ वाज मेड कि अब लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस भी एवरी फिक्स टेन्योर में होंगे. जैसे सेंट्रल और स्टेट के इलेक्शंस होते हैं वैसे ही अब लोकल के भी इलेक्शंस होंगे, ये डिसाइड कर दिया था. सीट्स वर रिजर्व्ड इन द इलेक्टेड बॉडीज फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस. क्या बोला हुआ है यहाँ पे कि सीट्स रिजर्व कर दी गई थी SC ST एंड OBCs के लिए ताकि उनके राइट्स को हार्म नहीं पहुँचे. इसीलिए क्या किया था, पहले ही SC ST एंड OBCs के लिए सीट रिजर्व कर दी थी. एटलीस्ट 1/3 सीट्स वेर रिजर्व फॉर दी वुमेन. नाउ वुमेन्स के लिए भी लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ में 1/3 सीट्स रिजर्व कर दी थी. दैट इज़ 33.33% सीट्स जो थी वो किसके लिए थी, वुमेन के लिए. अदर देन वुमेन उन सीट्स के लिए कोई भी फाइट नहीं कर सकता. सो ये क्यों किया गया था, सो दैट पॉलिटिक्स के अंदर वुमेन्स को एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिले. जब तक वुमेन रिप्रेजेंटेटिव नहीं होंगे तब तक वुमेन रिलेटेड या वुमेन की सिक्योरिटी सेफ्टी रिलेटेड लॉस फॉर्म नहीं होंगे. सो ये लॉस फॉर्म हो सकें, वुमेन्स की क्या प्रॉब्लम्स हैं उन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सके. इसीलिए इट वाज मेड कंपलसरी कि 1/3 सीट्स किसके लिए होंगे, वुमेन के लिए. ओके, एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन कॉल्ड स्टेट इलेक्शन कमीशन वॉज सेटअप टू कंडक्ट द लोकल इलेक्शन. जैसे हमने 9th में पढ़ा था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया EC, वो किसके लिए फॉर्म होता है, फॉर द इलेक्शंस ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट. ठीक है, इसीलिए वो बराबर कंडक्ट होते हैं. लेकिन लोकल के लिए ऐसी कोई बॉडी नहीं थी. सो फाइनली 1992 में एक अलग से इंस्टीट्यूट दैट इज एक अलग से कमिटी सेटअप की गई, जिस कमिटी का मेन काम क्या था, जिसके जैसे सेंट्रल और स्टेट के इलेक्शंस होते हैं वैसे ही लोकल के इलेक्शंस को भी प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ में कंडक्ट करवाया जा सके. लास्टली द स्टेट गवर्नमेंट वॉज आस्क्ड टू शेयर द पावर्स एंड रिसोर्सेज विद द लोकल गवर्नमेंट. क्या सजेस्ट किया गया था, दैट स्टेट गवर्नमेंट को अपने पावर्स और अपने रिसोर्सेज दैट इज़ मनी
एंड जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जो पावर है, अथॉरिटी है, वो सब वो लोग स्टेट के लोकल के साथ में शेयर करे, सो दैट एक बेटर गवर्नेंस फॉर्म हो सके. सो दिस वॉज डिसेंट्रलाइजेशन डन इन इंडिया. ये कब हुआ था? इन द ईयर 1992. ओके, नाउ डिसेंट्रलाइजेशन हमने पढ़ा, हमने लोकल गवर्नमेंट क्या है वो पढ़ा, अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ लोकल गवर्नमेंट. ठीक है, क्या देखेंगे अभी हम? टाइप्स ऑफ लोकल गवर्नमेंट. ओके, सो वी ऑल नो के विलेज के लिए देर इज़ पंचायत, एंड सिटीज़ के लिए वी हैव म्यूनसिपल कॉरपोरेशन. सिटीज़ एंड टाउन्स के लिए यहाँ पे सी मैंने बुक का ही स्कैन किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ईच एंड एवरी पॉइंट इज़ इम्पॉर्टेंट. आई डिडंट वांटेड टू मिस एनी पॉइंट, इसलिए मैंने क्या किया है, बुक को ही यहाँ पे स्कैन किया है. सो रीड इट प्रॉपरली, क्योंकि इफ़ आया तो ये 3 to 5 मार्क का आंसर आता है. अगर आया तो, नहीं आया तो 0, आएगा ही नहीं क्वेश्चन. बट इफ़ एट ऑल ये आया तो 3 to 5 मार्क में आता है. ठीक है, यहाँ पे वो लोग पूछते हैं कि एक्सप्लेन डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया. तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, जो हमारा लास्ट पार्ट था दैट इज़ डिसेंट्रलाइजेशन, एंड ये जो यहाँ पर अभी लोकल गवर्नमेंट का जो पावर्स एंड ऑल डिवाइड किया हुआ है वो पढ़ेंगे. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अगर ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया तो इट इज़ गोइंग टू कम फॉर आइदर 3 मार्क्स या 5 मार्क्स. नहीं आया तो 0, लेकिन अगर आया तो 3 to 5 मार्क्स के लिए आएगा. सो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, इसलिए मैंने पूरा स्कैन किया है. सो एक बार देखते हैं यहाँ पे क्या बेसिकली दिया है. सो यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट क्या है ना, हमें वो एक्सप्लेन किया है. गेटिंग सिटीज़ एंड टाउन्स में लोकल गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होता है, कैसे वर्क करता है, वो हमें बताया है. सो स्टार्ट करते हैं, वन सेकेंड ना. ओके, रूरल लोकल गवर्नमेंट इज पॉपुलरली नोन एज नोन बाय द नेम पंचायती राज. विलेज में दैट इज़ रूरल, यानी विलेज ही हो गया. रूरल लोकल गवर्नमेंट दैट इज़ विलेज का जो लोकल गवर्नमेंट है उसको हम क्या कहते हैं, पंचायती राज. ईच विलेज और द ग्रुप ऑफ विलेजेस इन सम स्टेट्स हैव अ ग्राम पंचायत. दिस इज़ अ काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल वार्ड. दिस इज़ अ काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल वार्ड मेंबर्स ऑफन कॉल्ड एज पंच एंड द प्रेसिडेंट और द सरपंच. दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाई द एडल्ट पॉपुलेशन ऑफ द विलेज लिविंग इन दैट वार्ड और द विलेज. क्या दिया हुआ है यहाँ पे कि जो रूरल लोकल गवर्नमेंट है विलेज के अंदर, जो लोकल गवर्नमेंट होती है उसे हम क्या कहते हैं, पंचायती राज, दैट इज़ पंचायत हम कहते हैं इसे. पंचायत के अंदर देर आर ग्रुप ऑफ पीपल, एक ग्राम पंचायत होती है वहाँ पे देर आर ग्रुप ऑफ पीपल जिसे हम पंच एंड सरपंच कहते हैं. एक पंच कौन होते हैं, उस ग्राम पंचायत के हेड, और उस ग्राम उस पंच का हेड जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, सरपंच. करेक्ट, इफ देर इज़ अ विलेज, विलेज के जो हेड्स होंगे दे आर कॉल्ड एज पंच, और वो पंच का जो हेड होगा इज कॉल्ड एज सरपंच. नाउ ये जो पंच और सरपंचस है उनको कौन इलेक्ट करता है, विलेज के अंदर जितने भी एडल्ट सिटीजन्स रहते हैं वो सब मिलकर. ठीक, जैसे अगर एक विलेज है, विलेज के अंदर जितने भी एडल्ट लोग हैं, दैट इज़ एडल्ट का डेफिनेशन क्या है इंडिया के लिए भी से, तो एनी पर्सन जिसने 18 ईयर की एज को क्रॉस कर लिया हो, एनी पर्सन विद द एज ऑफ 18 और अबो, जो भी पर्सन 18 या उसके अब वो एज ग्रुप में आता है, दैट पर्सन इज कॉल्ड एज द एडल्ट. तो विलेज में जितने भी एडल्ट सिटीजन हैं वो सब मिलकर वोट करते हैं, एंड वोटिंग के थ्रू दे डिसाइड हु इज गोइंग टू बी द पंच एंड सरपंच कौन होगा. ओके, इट इज़ द एंटायर डिसीजन मेकिंग बॉडी, सॉरी, इट इज़ द डिसीजन मेकिंग बॉडी for the entire village. The panchayat works under the overall supervision of the Gram Sabha. All the voters in the village are its members. It has to meet at least twice or thrice in a year to approve the annual budget of the Gram Panchayat and to review the performance of the Gram Panchayat. Okay, kya bola hua hai yahan pe ki
विलेज के रिलेटेड जो भी डिसीजंस होंगे वो डिसीजन उस ग्राम सभा को मिलकर लेने होते हैं, दैट इज़ पंच और सरपंच को मिलकर लेने होते हैं। ये ग्राम सभा को एटलीस्ट पूरे ईयर में 2 से 3 बार मिलना पड़ता है, मतलब दे हैव टू डू अ ऑफिशियल मीटिंग, उसके मिनट्स दैट इज़ उसका जो रिकॉर्ड है वो उन्हें गवर्नमेंट को भी सबमिट करना पड़ता है। सो एवरी ईयर ट्वाइस या थ्राइस इनको मीट करना पड़ता है टू डिसाइड के विलेज के अंदर विलेज के लिए कितना बजट पास हुआ था, कितना मनी स्टेट से अलॉट हुआ था, उस मनी को कैसे यूज़ किया है, लास्ट ईयर डेवलपमेंट कितना हुआ था, इस ईयर डेवलपमेंट कितना हुआ है, स्कूल में कितने बच्चों ने एनरोल किया है, कितने ने स्टडीज़ कंप्लीट की है, ड्रॉप आउट रेशियो क्या है, देन एग्रीकल्चर कितना हुआ है, बाकी की एक्टिविटीज़ कैसे चल रही है, इन सब टॉपिक्स को डिस्कस करने के लिए ग्राम सभा को एवरी ईयर 2 से 3 बार मीटिंग करनी पड़ती है। ये था अपना एक विलेज का। अभी धीरे धीरे करके हम देखेंगे कि ये डिस्ट्रिक्ट और स्टेट तक कैसे जाता है। द लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर गोज राइट अप टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल। अ फ्यू ग्राम पंचायत आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म व्हाट इज यूजुअली कॉल्ड एज पंचायत समिति, ब्लॉक और मंडल। कुछ ग्रुप्स ऑफ विलेजेस फॉर्म, मतलब जो ग्राम सभा है वो मिलकर, ग्राम पंचायत मिलकर क्या फॉर्म करती है, पंचायत समिति। पंचायत समिति क्या होता है, 3 या 4 विलेजेस की जो ग्राम सभा है वो मिलकर क्या फॉर्म करेगी, पंचायत समिति, या फिर उसी को हम ब्लॉक कहते हैं, या फिर वी कैन से इट एज मंडल। द मेंबर ऑफ दिस रिप्रेजेंटेटिव बॉडी आर इलेक्टेड बाय ऑल द पंचायत मेंबर्स इन दिस एरिया। ऑल द पंचायत समितीज और मंडल इन अ डिस्ट्रिक्ट टुगेदर कंस्टिट्यूट द जिला, दैट इज डिस्ट्रिक्ट परिषद। ओके, क्या बोला है यहाँ पे अभी कि जितने भी ये पंचायत समितीज होती है वो सब ग्रुप फॉर्म करती है एंड वो लोग क्या इलेक्ट करते हैं, जो ज़िला परिषद है उसको इलेक्ट करते हैं। ज़िला मतलब क्या होता है, द डिस्ट्रिक्ट। सो स्ट्रक्चर कैसा है यहाँ पे बेसिकली कि पहले आते हैं हमारे ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत किसके लिए है, फॉर द विलेज, एक सिंगल विलेज के लिए। फिर 3-4 विलेजेस की ग्राम पंचायत मिलकर क्या फॉर्म करती है, पंचायत समिति। देन ये 3-4 पंचायत समितीज मिलकर क्या फॉर्म करती है, ज़िला परिषद। ठीक है, मोस्ट मेंबर ऑफ द जिला परिषद आर इलेक्टेड, मेंबर ऑफ द लोकसभा एंड द MLAs ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट एंड सम अदर ऑफिशियल्स ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट ऑफ अदर डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडीज आर ऑल्सो इट्स मेंबर। जिला परिषद चेयरपर्सन इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ द जिला परिषद। ओके, क्या बोला हुआ है यहाँ पे कि ऐसी, मतलब कुछ लोकसभा के मेंबर्स दैट इज MLAs एंड ऑल जो उस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं वो भी उस डिस्ट्रिक्ट के परिषद में रहेंगे। दैट इज अगर सपोज कोई MLA है एंड वो वलसाड से इलेक्ट हुआ है तो वो MLA दो वो लोकसभा का भी पार्ट होगा लेकिन उसके साथ साथ में वो वलसाड डिस्ट्रिक्ट का जो परिषद है उसका भी पार्ट होगा। क्लियर, जैसे हमने यहाँ पे ये विलेज के लिए पढ़ा, सेम जाता है हमारा किसके लिए, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, दैट इज जो सिटीज एंड टाउन्स की गवर्नमेंट है वो भी ऐसे ही फॉर्म होती है। सिमिलरली लोकल गवर्नमेंट बॉडीज एग्जिस्ट फॉर दी अर्बन एरियाज एज वेल। म्यूनसिपालिटीज आर सेटअप इन टाउन्स, बिग सिटीज आर कॉन्स्टिट्यूटेड इन दी म्यूनसिपल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। बोथ म्यूनसिपालिटीज एंड म्यूनसिपल कॉरपोरेशन आर कंट्रोल्ड बाई दी इलेक्टेड बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव। म्यूनसिपल चेयरपर्सन इज द पोलिटिकल हेड ऑफ म्यूनसिपालिटी। इन द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सच पर्सन या सच ऑफिसर इज कॉल्ड एज मेयर। सो जैसे यहाँ पे हमने ज़िला परिषद एंड ग्राम पंचायत देखा, इन द सिमिलर मैनर अर्बन एरिया के लिए भी ये होता है। अर्बन एरिया के लिए इट इज़ कॉल्ड एज म्यूनसिपालिटीज एंड जो दिस इज़ फॉर टाउन्स एंड जो बिग सिटीज है वो डिवाइडेड होती है इन डिफरेंट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। जैसे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है वैसे ही दे आर डिवाइडेड इन टू डिफरेंट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। नाउ इसको भी कौन कंट्रोल करता है, द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, दैट इज जिन लोगों को हमने इलेक्ट किया है वही इन म्यूनसिपालिटीज एंड म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को लीड करते हैं, इनके रिलेटेड जो भी वर्क है, डिसीजन मेकिंग का काम है वो सब करते हैं। एंड म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का जो हेड होता है उसे हम क्या कहते हैं, मेयर। सो दिस वॉज
गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट फॉर विलेज एज वेल एज दी सिटीज़। तो एक बार वापस रिवाइज करते हैं यहाँ पे हम, रूरल दैट इज़ विलेज का जो लोकल गवर्नमेंट है इज कॉल्ड एज पंचायती राज। एक विलेज के अंदर पंचायत होता है, ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत का जो ग्रुप है वो मिलकर बनाता है पंचायत समिति, पंचायत समिति मिलकर क्या फॉर्म करता है, ज़िला परिषद। ठीक है, ज़िला परिषद के अंदर हमने जिन लोगों को वोट दिया है वो रहते हैं, प्लस अगर उस एरिया से कोई भी MLAs है वो भी उसी ज़िला परिषद का पार्ट रहेंगे। जैसे अगर वलसाड से कोई MLA इलेक्ट हुआ है तो वो वलसाड ज़िला परिषद का भी पार्ट होगा। क्लियर, सेम चीज़ जाती है फॉर द सिटीज़ ऑल्सो। सिटीज़ के अंदर फॉर बिग टाउन्स देर आर म्यूनसिपालिटीज़ एंड सिटी, फॉर सिटीज़, बिग सिटीज़ देर आर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। म्यूनसिपालिटीज़ एंड म्यूनसिपल कॉरपोरेशन दोनों के लीडर्स को, रिप्रेजेंटेटिव्स को हम इलेक्ट करते हैं एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसीजंस, या दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिविटीज़ डन इन दैट एरिया। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का जो हेड है उसे हम क्या कहते हैं, मेयर। तो यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट एंड हुआ। ओके, नाउ कम्स द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, दैट इज डिफिकल्टीज फेस्ड इन डिसेंट्रलाइजेशन। दो हमने पावर्स जो है वो दिए हैं टू द लोकल गवर्नमेंट, है ना। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, जब हम पावर्स लोकल गवर्नमेंट को देते हैं। सो दो वी हैव गिवन द पावर्स टू द लोकल गवर्नमेंट, लेकिन उसके बावजूद, बिकॉज इंडिया इज़ अ वेरी बिग कंट्री, इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, हमारे इवन वी कैन से कि कुछ डिस्ट्रिक्ट का पॉपुलेशन जो है वो भी शायद कि बहुत सी कंट्रीज से ज़्यादा हो सकता है, ये भी सिचुएशन हो सकती है। सो इट इज़ वेरी मच डिफ़िकल्ट कि इतने पॉपुलेशन को हम लोग प्रॉपर तरीके से मैनेज कर पाए। तो देर आर सर्टन डिफ़िकल्टीज जो अभी भी हमें फेस करनी पड़ रही है। लेट्स गो विद दैट। ओके, दिस न्यू सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट इज़ द लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट इन द डेमोक्रेसी कंडक्टेड एनी वेयर इन द वर्ल्ड। जो लोकल गवर्नमेंट की बात हम कर रहे हैं, सो दिस इज़ द एक्सपेरिमेंट जो इंडिया ने किया, बिकॉज इंडिया में सेंट्रल एंड स्टेट मिलकर कंट्री को गवर्न नहीं कर पा रहे थे, इसलिए हमने क्या डिसाइड किया था, टू ऐड द थर्ड टायर, लोकल गवर्नमेंट। देर आर नाउ अबाउट 36 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इन द पंचायत्स एंड म्यूनसिपालिटीज एंड म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। आज के टाइम पे अगर हम खाली लोकल गवर्नमेंट की भी बात करें, स्टेट एंड सेंट्रल हटा दो, इफ़ वी आर टॉकिंग जस्ट अबाउट द लोकल गवर्नमेंट ऑल्सो, तो भी उसमें 36 लाख से ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, नॉट पीपल, मोर देन 36 लाख रिप्रेजेंटेटिव्स आर प्रेजेंट इन द लोकल गवर्नमेंट ऑल ओवर द कंट्री। दिस नंबर इज बिगर देन द पॉपुलेशन ऑफ मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड। सोचो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आर 36 लाख, एंड हो भी ऐसा भी हो सकता है कि ये 36 लाख जो रिप्रेजेंटेटिव्स है खाली, इससे कम दूसरी कंट्रीज़ का पॉपुलेशन होगा। मतलब हमारे रिप्रेजेंटेटिव, सिर्फ लोकल बॉडी के रिप्रेजेंटेटिव्स का पॉपुलेशन का नंबर इज़ मोर देन द टोटल पॉपुलेशन ऑफ मेनी ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस फॉर द लोकल गवर्नमेंट हैज़ हेल्प टू डीपन डेमोक्रेसी इन आर कंट्री। इट हैज़ ऑल्सो इंक्रीज्ड वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन एंड वॉइस इन आर डेमोक्रेसी। ये पॉजिटिव बताया है कि बिकॉज ऑफ द लोकल गवर्नमेंट अब हमारा सेटअप जो है वो बेटर हुआ है, डेमोक्रेसी का एक डीपर मीनिंग हम समझ पा रहे हैं। डेमोक्रेसी इज एक्सपीरियंस्ड इन लोवेस्ट पार्ट, लाइक लो, मतलब लाइक जो भी नीड लोकल लोग हैं, इवन वो लोग भी डेमोक्रेसी को फील कर पा रहे हैं, दे आर एबल टू एन्जॉय डेमोक्रेसी। अपार्ट फ्रॉम दिस, इवन वुमेन्स का रिप्रेजेंटेशन इंक्रीज हुआ है, दैट इज़ ऑल्सो अप्रिशिएबल। ये भी एक बेटर पॉइंट है, क्योंकि इससे क्या होगा, वुमेन का जो टॉपिक्स है, उनकी जो प्रॉब्लम्स है, वो हम पॉलिटिक्स में रख पाएंगे एंड मे बी देर आर चांसेस कि हम उसको सॉल्व कर लें। बट एट द सेम टाइम देर आर मेनी डिफ़िकल्टीज ऑल्सो, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज भी है। वाइल इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली एंड एंथुजियास्टिकली, ग्राम सभाज आर नॉट हेल्ड रेगुलरली। ठीक है, अभी हमने स्टेट इलेक्शन कमीशन बना दिया। ओके, कमीशन अपना काम रोज कर रहा है, मतलब लाइक एवरी 5 ईयर 4 ईयर जो भी टेन्योर है उस पर इलेक्शंस हो रहे हैं। लेकिन हमने एक और चीज़ पढ़ी थी कि मीटिंग्स जो है वो साल में 2 या 3 बार होनी चाहिए, कम से कम 2 बार
और 3 बार होनी चाहिए, लेकिन वो नहीं हो रही है। इलेक्शन टाइम पे हो रहा है, रिप्रेजेंटेटिव्स टाइम पे इलेक्ट हो रहे, लेकिन वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स टाइम पर मीटिंग्स नहीं कर रहे, लेकिन ग्राम मीटिंग्स नहीं हो रही। मीटिंग्स नहीं हो रही तो कैसे पता चलेगा कि कितना डेवलपमेंट हुआ, कहाँ डेवलपमेंट बाकी है, वो सब चीज़ें डिस्कस ही नहीं हो रही। सो दिस इज़ दी फर्स्ट ड्रॉबैक कि दो इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली बट दी ग्राम सभा इज़ नॉट मीटिंग रेगुलरली। रोज़ वो लोग, रोज़ यानी साल में 1-2 बार भी वो लोग मीटिंग्स जो है वो कंडक्ट नहीं कर रहे। मोस्ट स्टेट गवर्नमेंट्स हैव नॉट ट्रांसफर्ड सिग्निफिकेंट पावर्स टू द लोकल गवर्नमेंट। बहुत सारी ऐसी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं जिन्होंने सिर्फ नाम के लिए पावर्स दिए, कुछ एक्चुअल पावर्स स्टेट को दिए ही नहीं है। नॉर हैव दे गिवन एडुकेट रिसोर्सेज, पावर्स भी नहीं दिए एंड उसके साथ साथ में मनी भी प्रोवाइड नहीं किया। अथॉरिटी नहीं है, रिसोर्सेस नहीं है, तो लोकल गवर्नमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं निभा पाएगा। करेक्ट, अगर आपको अपनी जिम्मेदारी निभानी है तो जिम्मेदारी निभाने के लिए आपके पास पावर भी होनी चाहिए उस एरिया में डिसीजन लेने के लिए, प्लस आपके पास पैसे भी होने चाहिए। सो स्टेट गवर्नमेंट ने स्मार्टली जिम्मेदारी दे दी कि भाई तुम ये सब काम करो, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने ना तो पैसे दिए प्रॉपर और ना ही प्रॉपर पावर्स दिए, तो ये भी एक ड्रॉबैक है। वी आर थस स्टिल अ लॉन्ग वे फ्रॉम रियलाइजिंग द आइडिया ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। सो ये ड्रॉबैक्स पढ़ के वी कैन क्लियरली से कि अभी भी जो लोकल गवर्नमेंट का आइडिया था या जो डिसाइड किया था जो वे में हमने उसको अचीव करना, हमारे लिए थोड़ा सा अभी भी डिफ़िकल्ट है। सो यहाँ पे फेडरलिज्म ख़त्म होता है एंड बाय दिस हम लोग बुक का यूनिट 1 भी ख़त्म करते हैं। पावर शेयरिंग यहाँ पे कम्प्लीटली ख़त्म होता है। अगले चैप्टर में हम लोग कंट्री के अंदर डाइवर्सिटीज़ कैसी है, डाइवर्सिटी मतलब हम कितने अलग अलग हैं, उन सब चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स।